नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने बात किया था नींबू के फायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो हमने बताया था कि नींबू स्वाद भी बढ़ाता है, जायका भी बढ़ाता है हमारे खाने का, लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में हमने आपको कल बताया था। आइए आज वहीं से स्टार्ट करते हैं, हम आपको कुछ और बेहतरीन फायदों के बारे में बताते हैं नींबू के। दस्त, मान लीजिए किसी को दस्त आ रहा हो दोस्तों, तो नंबर वन फॉर्मूला, दूध में नींबू निचोड़कर पीने से लाभ होता है। दस्त में मरोड़ हो, आंव आती हो तो नींबू का उपयोग करें। एक नींबू का रस एक कप पानी में मिलाकर पिए, इसी प्रकार एक दिन में 5 बार लें, इससे दस्त बंद हो जाते हैं। नंबर टू फॉर्मूला, एक बूंद नींबू का रस, एक चम्मच पानी, जरा सा नमक और शक्कर मिलाकर नित्य 5 बार पीने से दस्त बंद हो जाते हैं। नंबर थ्री, आधे नींबू पर बाजरे के दाने के बराबर अफीम लगाएं और इसे गोद लें, फिर जरा सा गर्म करके चूसें, इस तरह हर 4 घंटे से चूसें, दस्त पेचीश बंद हो जाएगी। नंबर फोर, 1 कप ठंडे पानी में 1/4 नींबू निचोड़कर स्वादानुसार नमक चीनी मिलाकर हर 2 घंटे में पीने से दस्त बंद हो जाते हैं। नंबर फाइव, दस्त थोड़ा थोड़ा बार बार हो तो 1 चम्मच प्याज का रस और 1/2 नींबू का रस 1/4 कप ठंडे पानी में मिलाकर हर 3 घंटे में पिए, आपका दस्त बंद हो जाएगा दोस्तों। हैजा, जी हाँ दोस्तों, गर्म पानी में नमक और नींबू का रस मिलाकर पीने से हैजा कंट्रोल होता है। उल्टी हो जाने पर फिर पिलाएं, जब तक उल्टी होती रहे पिलाते रहें, पेट की सफाई हो जाएगी, रोगी अच्छा हो जाएगा। हैजे के दिनों में नींबू का अचार खाने से हैजा तथा रोग संक्रमण घटता है। नित्य नींबू सेवन करने से हैजे से बचाव होता है, पित्त शमन होता है। नींबू गर्म करके चीनी लगाकर चूसना जी मिचलाने एवं हैजे में लाभप्रद है। नींबू, प्याज का रस, चीनी और पानी मिलाकर पीने से हैजे में लाभ होता है। नींबू का रस 1 भाग, हरा पुदीना और प्याज का रस 1/2 भाग मिलाकर पीने से लाभ होता है। नींबू हैजे से बचाता है। जब हैजा फैल रहा हो, किसी को हैजा हो गया हो, तो संपर्क में आने वाले लोग नींबू का अधिकाधिक सेवन करें, नींबू चूसें, नींबू का अचार खाएं, भोजन के बाद नींबू का पानी पिएं, हैजा से बचाव होगा। हैजे के कीटाणु खट्टी चीज़ों के सेवन से नष्ट हो जाते हैं। हैजा होने पर 4 चम्मच गुलाब जल, थोड़ा सा नींबू और मिश्री मिलाकर हर 2 घंटे से पिएं, हैजे में लाभ होगा। हैजा के कीटाणु अम्लीय पदार्थों के सेवन से नष्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय मतलब खट्टे, हमने आपको ऊपर भी बताया। नींबू का रस, प्याज का रस और शहद प्रत्येक 1-1 चम्मच मिलाकर पिएं, इससे हैजा ठीक हो जाता है। संग्रहणी, नींबू को बीच में से काटकर इसमें मूंग के बराबर अफीम डालकर धागे से बांधकर आंच पर लटकाकर सेंक कर नित्य 3 दिन तक चूसें, आपके संग्रहणी कंट्रोल हो जाएगी। वायु गोला, 6 ग्राम नींबू का रस 1/2 गिलास पानी में मिलाकर पीने से आराम होता है। गैस, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच पीसी हुई अजवायन 1 गिलास गर्म पानी में घोलकर पीने से गैस और पेट का दर्द ठीक हो जाता है। पेचिश, 1/2 गिलास ताजा पानी में 1/2 नींबू निचोड़कर दिन में 3 बार पीने से पेचिश में लाभ होता है। दूध में नींबू निचोड़कर पीने से भी लाभ होता है। नंबर टू, मिट्टी के बर्तन में 250 ग्राम दूध, स्वादानुसार शक्कर, 1/2 नींबू निचोड़कर मिलाकर पिए, इससे पेट में हल्की सी जलन होगी और खून के दस्त बंद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर थ्री फॉर्मूला, एमोबायसिस मतलब आमातिसार होने पर नित्य दिन में 3 बार नींबू का पानी पीने से लाभ होता है। लगातार लेते रहने से आंतें साफ होकर आंव आना बंद हो जाता है। पेट में गांठ, गाजर व चुकंदर के मिश्रित
रस का एक एक गिलास नित्य दो बार एक दो महीने तक पीते रहें। इससे आपके पेट में जो गांठ है वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। नंबर टू, एक गिलास चुकंदर के रस में आधा नींबू, दो चम्मच शहद मिलाकर पीते रहें। पेट या कहीं भी गांठ हो पिघल जाएगी। उल्टी, जी मिचलाना आरंभ होते ही नींबू का सेवन करना चाहिए, इससे उल्टी नहीं होती है। नींबू में शक्कर और काली मिर्च दोनों भरकर चूसने से भी उल्टी बंद हो जाती है। उल्टी में नींबू को गर्म नहीं करना चाहिए। नींबू का रस एक चम्मच, पानी एक चम्मच और ग्लूकोज एक चम्मच मिलाकर एक एक घंटे से लें, उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। नंबर वन, आधा कप पानी में 15 बूंद नींबू का रस, भुना पिसा हुआ जीरा, पिसी हुई एक छोटी इलायची मिलाकर हर आधे घंटे के बाद पिए। इससे आपको लाभ होगा, उल्टी होनी बंद हो जाएगी दोस्तों। नंबर टू, नींबू के छिलके सुखाकर जलाकर राख बना लें। चौथाई चम्मच राख, आधा चम्मच शहद मिलाकर चाटने से उल्टी बंद हो जाती है। नंबर थ्री, दो छोटी इलायची पीसकर नींबू की फांक में भरकर चूसने से उल्टी बंद हो जाती है। नंबर फोर, चौथाई कप पानी में आधा नींबू निचोड़कर मिला लें। इसकी एक चम्मच हर 15 मिनट बाद पिएं, उल्टी बंद हो जाएगी। नंबर फाइव, सेंधा नमक, हरा धनिया पर आधा नींबू निचोड़कर चटनी बना लें। जब तक उल्टी हो बार बार आधा चम्मच चाटते रहें, आपकी उल्टी बंद हो जाएगी। नंबर सिक्स, नींबू प्याज पुदीना की चटनी बार बार चाटें, आपको लाभ होगा। नंबर सेवन, नींबू की एक फांक में मिश्री भरकर चूसें, इससे आपकी उल्टी बंद हो जाएगी दोस्तों। नंबर एट, जी मिचलाते ही उल्टी की इच्छा होते ही नींबू की फांक में काला नमक, काली मिर्च भरकर चूसें, आपको लाभ होगा, उल्टी होनी बंद हो जाएगी दोस्तों। नंबर नाइन, यात्रा यानी कि जल थल नभ सभी में उल्टी हो तो नींबू चूसते रहें, आपकी उल्टी बंद हो जाएगी। नंबर टेन, शिशु दूध पीने के बाद उल्टी करता हो तो दूध पिलाने के कुछ देर बाद 3 बूंद नींबू का रस एक चम्मच पानी में मिलाकर पिलाएं, उल्टी होनी बंद हो जाएगी दोस्तों। नंबर 11, उल्टियां लगातार होती रहें, दवा देने पर भी बंद नहीं हो तो नींबू के 8 बीज पीसकर 3 चम्मच पानी में घोलकर छानकर आधा आधा घंटे के अंतर से 3 बार पिलाएं, उल्टियां बंद हो जाएंगी। उल्टी बंद हो जाए तो आगे नहीं पिलाएं। गर्भावस्था की उल्टी, नंबर 1, 100 ग्राम कच्चा जीरा, 30 ग्राम सेंधा नमक पीसकर नींबू के रस में तर कर लें। ये रस में डूबे रहें, इनको भीगते रहने दें। प्रतिदिन एक बार स्टील की चम्मच से हिला दें। सूख जाने पर आधा चम्मच प्रतिदिन 3 बार चबाएं। गर्भावस्था में होने वाली उल्टियां बंद हो जाएंगी। ठंडे पानी में नींबू निचोड़कर पीने से गर्भावस्था की उल्टी में लाभ होता है। शिशुओं की उल्टी, नींबू के रस की 5 बूंद 3 चम्मच पानी में मिलाकर पिलाएं, शिशु दूध नहीं उल्टेगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आज आपने कि एक नींबू से हम कितनी सारी बीमारियों का हल प्राप्त कर सकते हैं। नींबू का इतना विस्तृत फायदा है दोस्तों, इतने सारे लाभ हैं जो हम आपको एक एपिसोड में नहीं बता पा रहे हैं। तो अगला एपिसोड हमारा सुनना ना भूलें, जिसमें हम नींबू के कुछ और बेहतरीन गुणों के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।